प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो का जबलपुर आगमन हुआ। इस मौके पर विधायक विनय सक्सेना सहित अनेक लोगों ने उनका स्वागत किया। विजयलक्ष्मी साधो ने पत्रकारों से चर्चा की और चिकित्सा के क्षेत्र में कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। देखिए, मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ा हुआ मानते थे और हमारी जो कंट्री की अदर स्टेट्स हैं, चाहे वो साउथ ले लें या महाराष्ट्र ले लें, यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी स्वास्थ्य की दृष्टि से काम हुए हैं। उसी अनुरूप हम लोग का सोच है और विचार है कि हम लोग भी मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस एक जो हमारे पीछे वो लगा हुआ है कि स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर ठीक ठाक है, उसी दिशा में मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म एक अच्छा सोच है और मैंने भी इसको पिछले 2-3 महीने से, चाहे मेरा मेडिकल एजुकेशन एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, क्योंकि आयुर्वेद में भी लोग केरला और बेंगलोर जाते हैं और बड़े बड़े पैकेज देके आते हैं पंचकर्मा और शिरोधारे करके, उसको भी मैंने आयुष विभाग के लोगों को भी कहा है कि मेडिकल टूरिज्म में हम बढ़ावा दें, तो ताकि क्योंकि हमारी संस्थाएँ स्वशासी हो गई हैं, चाहे आयुर्वेदिक कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, सब स्वशासी संस्थाएँ हैं। स्वशासी संस्था देने के साथ सरकार का एक ये भी आइडिया है कि ये अपनी अर्निंग खुद इकट्ठा करे, रेवेन्यू कलेक्शन करे, तो उस दिशा में हम चाह रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म अगर होता है तो इन संस्थाओं की अर्निंग भी होगी और अर्निंग के साथ और बेहतर सुविधाएं ये संस्थाएं दे सकेंगी प्रदेश की और देश की जनता के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी आप जानते हैं, वो भी भंग भांग हो गई है, उसकी जगह गवर्निंग बॉडी बन गई है और गवर्निंग बॉडी के माध्यम से चीज़ें अच्छी हो रही हैं और उसी के लिए जो उनके नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए हम व्यवस्थाओं में सुधार ला रहे हैं। अब धीरे धीरे सब कर रहे हैं, धीरे क्या, मैं तो तेज़ी से ही करवा रही हूँ सब जगह। आप भी रीवा होके आई हूँ, ग्वालियर भी होके आई हूँ, जो केतले भोपाल में केतले स्टार्ट की, जो केतले 2002 में जब मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थी उस वक्त मेरे केतले चालू की थी और जब तक मैं रही ठीक रही, बाद में डंप हो गई, अभी फिर मैं ही चालू करके आई हूँ केतले। इसके अलावा अभी मैं रीवा में गई, आयुष विभाग भी मेरे पास है, आयुष की मैंने गवर्निंग बॉडी की जब मीटिंग ली तो वहाँ मुझे ये प्रिंसिपल ने कहा कि मैडम 2002 में आप ही मीटिंग लेके गई थी और दोबारा आप ही लेने आई हैं, मतलब आप इससे समझो कि 15 साल में, 2002 से लेके आज तक कितने साल हो गए, 17 साल में गवर्निंग बॉडी की मीटिंग तक नहीं हुई, सोच सकते हैं। और फिर रीवा मेडिकल कॉलेज, ये मैं आयुष की बात कर रही हूँ, आयुर्वेदिक की, जब मेडिकल कॉलेज में गई तो मैंने देखा कि 2011 से 18 तक मीटिंग नहीं हुई, 18 में मीटिंग हुई तो 18 में भी सर्कुलेट हुआ। अब मीटिंग भाई कॉलेज में जाके करिए, अस्पताल में जाके करिए, अब सर्कुलेशन में आ रहे हैं कि आप मीटिंग हो गई और घर घर जाके वो दस्तखत करवा रहे हैं, तो ये क्या हुआ समझ में आ नहीं।